मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। होश ना उनको था और ना ही हमें। आजादी भी मिली, संविधान भी बना, कई सरकारें आईं और कई चली भी गईं, लेकिन किसी ने उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। जिसने हमारी इस आजादी के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। कोई कहता है कि उनकी मौत प्लेन क्रैश होने से हुई, तो कईयों का कहना है कि उनकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन इसे किस्मत का ही खेल कहा जाए या फिर उनकी बदकिस्मती, अभी तक उनकी मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनके जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यूं तो नेताजी के जीवन को कुछ शब्दों में बयां करना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्दों में नेताजी के जीवन की कुछ यादों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। अपने पिता की इच्छा अनुसार सुभाष चंद्र बोस ICS बने। 1920 की ICS परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पाया, लेकिन नेताजी का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 1938 में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी तथा उनके सहयोगियों के व्यवहार से दुखी होकर अंततः सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने जीवन काल में नेताजी को कुल 11 बार कारावास की सजा काटनी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने ब्रिटेन के विरोधी गुटों से सहयोग लेने की योजना बनाई। इसी समय नेताजी को कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नेताजी अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए और हिटलर से मुलाकात की। उस समय जर्मनी और जापान के पास भारत के बहुत सारे युद्धबंदी थे, जिन्हें विश्व युद्ध में पकड़कर बंदी बनाया गया था। नेताजी जब हिटलर से मिलने गए तो उन्हें एक कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद नेताजी से मिलने के लिए हिटलर की शक्ल का एक शख्स आया और नेताजी की तरफ हाथ बढ़ाया। नेताजी ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन मुस्कुराकर बोले, आप हिटलर नहीं हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वह शख्स सकपका गया और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद हिटलर जैसा दिखने वाला एक और शख्स आया और नेताजी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद नेताजी ने उससे भी यही कहा। इसके बाद हिटलर खुद आया। इस बार नेताजी ने असली हिटलर को पहचान लिया और कहा, मैं सुभाष हूँ, भारत से आया हूँ। आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच में कोई दीवार नहीं चाहता। नेताजी के आत्मविश्वास को देखकर हिटलर भी उनका कायल हो गया। उसने तुरंत नेताजी से पूछा, तुमने मेरे हमशक्लों को कैसे पहचान लिया? नेताजी ने उत्तर दिया, उन दोनों ने अभिवादन के लिए पहले हाथ बढ़ाया, जबकि ऐसा मेहमान करते हैं। नेताजी की बुद्धिमता से हिटलर बहुत प्रभावित हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से आग्रह करके उन युद्धबंदियों की मांग की। सुभाष बाबू उन युद्धबंदियों से आजाद हिंद फौज बनाना चाहते थे। हिटलर उनकी मदद को तैयार था, लेकिन उसके मन में एक शक था, तो उसने सुभाष चंद्र बोस से पूछा, क्या ये युद्धबंदी तुम्हारी बात मानेंगे? सुभाष बाबू ने थोड़ी देर युद्धबंदियों से बात की। इसके बाद सारे युद्धबंदियों ने एक साथ हां में हुंकार किया। हिटलर सुभाष बाबू के वक्तव्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सुभाष बाबू को अपनी भाषा में नेताजी कहकर पुकारा, और उसके साथ ही सभी युद्धबंदी भी नेताजी के पक्ष में नारे लगाने लगे। हिटलर के सुझाव पर ही नेताजी जापान पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री से मिलकर कहा कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए, तो फिर ये गोरे यहाँ क्या कर रहे हैं? जापान के प्रधानमंत्री को नेताजी की ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने जाकर पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट कर दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जापान भारत के साथ है। सुभाष चंद्र बोस ये जानते थे कि जापान का सिंगापुर से झगड़ा चल रहा है और अंग्रेजों की सेना सिंगापुर में थी, जहां 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिनमें से 45,000 भारतीय थे। नेताजी ने एक योजना बनाई, जिसके फलस्वरूप जापान ने जब सिंगापुर में बॉम्ब गिराया तो उसके साथ पर्चे भी गिराए। हर पर्चे में लिखा हुआ था कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के गुलाम बनकर उनके साथ लड़ते रहोगे। ये पढ़कर सिंगापुर के भारतीय सैनिकों में विद्रोह हो गया और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर युद्ध करने से मना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की रणनीति काम आई और सिंगापुर जापान का हो गया। जापान ने नेताजी से प्रभावित होकर 45,000 भारतीय सैनिक राज बिहारी बोस के नेतृत्व में नेताजी को सौंप दिए और इस तरह बनी आजाद हिंद फौज।
आजाद हिंद फौज में 85,000 सैनिक शामिल थे और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी थी। इसके बाद नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक उपलब्धि ही थी कि उसने जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वाधीन भूभाग के रूप में हासिल कर लिया। इस विजय के साथ ही नेताजी ने राष्ट्रीय आजाद बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना को आजाद हिंद फौज ने युद्ध में हराया था। नेताजी के त्याग और बलिदान को ये देश कभी नहीं भुला पाएगा। जय हिंद।